सो गाइस क्या आप भी 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में बेस्ट 5G स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं? तो चलिए चल गाड़ी स्टार्ट कर। यार आज के इस वीडियो में ना हम 15,000 से लेकर के 20,000 के लगभग में आप लोगों को तीन बेस्ट ऐसे 5G स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं जो काफी ज्यादा बेस्ट फीचर्स दे रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड इसके साथ साथ मैंने बेस्ट कैमरा क्वालिटीज एंड बेस्ट रैम एंड अच्छे खासे प्रोसेसर के साथ ये सारे स्मार्टफोन आ रहे हो कि एक नहीं दो नहीं पूरे तीन स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली वीडियोस को। हेलो दोस्तों, हमेशा से समय टिंको एंड हमारे चलो मास्टर में मिस्टर टिंको में आपका स्वागत है। सबसे पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये तीनों स्मार्टफोन 5G है, तीनों में काफी अच्छे खास कैमरा क्वालिटीज दिए गए हैं, रैम स्टोरेज काफी अच्छे दिए गए हैं, प्रोसेसर भी काफी अच्छे दिया गया है एंड इसके साथ साथ में बैटरी और चार्जर को भी लेकर के काफी ज्यादा अच्छा ख्याल रखा गया। स्मार्टफोन का डिजाइनिंग ओवरऑल काफी ज्यादा बेस्ट, प्राइस जो है वो 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में ही आ रहे हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे नंबर थर्ड स्मार्टफोन की, जो कि यहाँ देख सकते हैं वीवो T2 5G आ जाता है। ओके, इसका डिजाइनिंग वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूल कैमरा वन LED फ्लैश इस तरीके से एंड काफी ज्यादा बेस्ट 5G स्मार्टफोन आ जाता है। इसकी प्राइस पॉइंट की अगर बात की जाए 16,999 यानी ये सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपीस में आ जाएगा। ओके, 17,000 रुपए का ये स्मार्टफोन है, काफी ज्यादा बेस्ट है। इसके कुछ फीचर्स को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 6GB रैम विथ 128GB का स्टोरेज देखने को जाता है, 6.38 इंच के साथ यहाँ फुल HD+ डिस्प्ले देखने को जाता है, 64MP का OIS कैमरा प्लस 2MP का ड्यूल कैमरा देखने को जाता है, 60MP का फ्रंट कैमरा देखने को जाता है, 4500mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाता है एंड स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर इसके चार्जर को लेकर के बात की जाए 44W का यहाँ पे चार्जर देखने को मिल जाता है एंड फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये फीचर्स रहा Vivo T2 5G का, जो कि 17,000 के अंदर में बेस्ट स्मार्टफोन आ जाता है। आप लोग 17,000 के लगभग में बेस्ट स्मार्टफोन खोज रहे हैं वो भी 5G, तो Vivo T2 5G काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर जो कि आ जाता है, देख ही सकते हो कि Realme 11 5G आ जाता है, जो कि इसका डिजाइनिंग ओवरऑल देख सकते हैं ड्यूल कैमरा वन LED फ्लैश एंड इसके पंचोल यहाँ पे डिस्प्ले पर कैमरा दिया गया है जो काफी बेस्ट है। और अगर प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो 16,999 ये भी सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपए के अंदर में आ रहा है। ओके, इसका अगर बात की जाए यहाँ पे फीचर्स को लेकर के देख सकते हैं 8GB रैम विथ 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है एंड 6.72 इंच के साथ फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 108MP प्लस 2MP यहाँ पे ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है, बैक साइड में 60MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाते हैं, 5000mAh का बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड मीडियाटेक डायमंडसिटी X800+ प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड इसके साथ साथ में 67W का यहाँ पे चार्जर भी देखने को मिल जा रहे हैं, 3x तक यहाँ पे लॉसेस जूम देखने को मिल जाता है। ये रियलमी 11 5G स्मार्टफोन आता है, जो कि इसका भी प्राइस पॉइंट 17,000 रुपया रखा गया और ये भी काफी ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन आ जाता है। ओके, अगर बात की जाए प्रोसेसर के मामले में तो काफी ज्यादा तगड़ा स्मार्टफोन आ जाता है। ओके, एंड इसके साथ साथ में कैमरा क्वालिटीज की अगर बात की जाए तो उसमें भी काफी ज्यादा तगड़ा स्मार्टफोन माना जाता है। ओके, और 5G स्मार्टफोन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, 8GB तक रैम देखने को मिलता है, 128GB तक का स्टोरेज देखने को मिल रहा है, तो ये भी 17,000 के लगभग में काफी ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है। अगर आप लोग 17,000 के अराउंड मिलना चाहते हैं तो ये दोनों स्मार्टफोन में ना Vivo T2 5G या फिर Realme 11 5G, ये दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन ले लीजिए, काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है। बट आई रिकमेंडेड कि यहाँ पे Realme 11 5G काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है, बट काफी लोग ब्रांड पे विश्वास करते हैं तो यहाँ पे Vivo T2 5G भी काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी ले लीजिए, काफी ज्यादा बेस्ट ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर वन स्मार्टफोन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आ जाता है। ओके, Motorola Z84 5G आ जाता है। अगर बात की जाए इसके डिजाइनिंग को लेकर, यहाँ पे ड्यूल कैमरा वन LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। ओके, यहाँ पे एंड अगर प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो 18,999 ये 19,000 रुपए के अंदर में आ रहा है। ओके, बट अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा बेस्ट फीचर्स मुझे लग रहा है। ओके, चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे 12GB तक रैम देखने को मिल जाता है, 256GB तक का यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिल रहा है, 12GB तक रैम एंड 256GB का स्टोरेज देखने को मिल रहा है स्मार्टफोन में, 12GB तक रैम मिल रहा है। अब समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा बेस्ट फीचर्स दिया गया है 19,000 के अंदर में। अगर बात की जाए यहाँ पे कैमरा क्वालिटीज को लेकर एंड इसके डिस्प्ले वगैरह के बाद में 6.58 इंच के साथ में फुल HD+ पोले डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो 50MP का OIS कैमरा प्लस 8MP का ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है, 60MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, 5000mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 695 का यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिल, 30W का चार्जर भी इसमें देखने को मिल जाता है, IP54 का वाटर रिप्लेसमेंट डिजाइनिंग देखने को मिल जाता है, डिजाइनिंग वगैरह देख सकते हैं काफी ज्यादा बेस्ट। यार ये रहा Motorola Z84 5G, जो कि 19,000 के अंदर में आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पे तो इसमें ना 50MP का OIS कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो काफी ज्यादा बेस्ट, 12GB तक रैम देखने को मिल रहा है, 12GB तक रैम एंड 256GB तक का स्टोरेज देखने को मिल रहा है, तो यार बात की अगर हैंगिंग वगैरह तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है एंड ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा फास्ट भी रन होने वाला है। ओके, इसमें आप लोग को पोले डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो
काफी ज्यादा बेस्ट है। इसकी डिजाइनिंग वगैरह की बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा बेस्ट मुझे लग रहा है। ओके, अगर आप लोग रैम के लिए लेना चाहते हैं, स्टोरेज के लिए लेना चाहते हैं, तो ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है। रिकमेंडेड की ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है जो लोग रैम एंड स्टोरेज वगैरह के लिए लेना चाहते हैं। और कैमरा के लिए भी पर्सनली काफी ज्यादा बेस्ट, क्योंकि इसमें OIS सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इससे हालांकि यहाँ पे Vivo T2 5G में भी OIS सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप उसे भी बाय कर सकते हैं। वरना अगर आप लोग 19,000 के अराउंड में लेना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है। रहा 15,000 to 20,000 के अराउंड में तीन बेस्ट 5G स्मार्टफोन, तीनों स्मार्टफोन 5G है, काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। आप तीनों में से कोई भी बाय कर सकते हैं, अपने अपने प्राइस पॉइंट में काफी ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन हो जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। चैनल पे आना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हम मोटिवेट होते हैं, आप लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।